सो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, अभी जो है सुबह का टाइम है, मैं आ चुका हूँ छत पे। कल जो है हम लोगों ने न्यू फैंटेल कबूतर का जोड़ा लाया था, और जो गाइस मेल है वो फीमेल को काफी ज्यादा परेशान कर रहा था, फीमेल के काफी ज्यादा पीछे पीछे लगा हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा था कि फीमेल अभी अंडे पे है, जल्द वह अंडे रख देगी। तो चलो सबसे पहले चलते हैं जाल के अंदर और देखते हैं, क्या पता उसने अंडा दे दिया हो। ये चेक करो गाइस, यहाँ पे हमारे न्यू फैंटेल कबूतर का जोड़ा और यहाँ पे हमारे पुराने फैंटेल कबूतर का जोड़ा। कल जो है ये फीमेल भी अंडे देने का ट्राई कर रही थी, तो मैंने जो है इसी के पेटी में ये रिंग डाल दिया था, और ये अभी फिलहाल में ऐसा लग रहा है भाई इसके नीचे अंडे आ चुके हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जैसे कल कर रही थी अंडे देने का ट्राई, वैसे ये बैठी हो। लेकिन गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि फिलहाल में ये जो ब्लैक फीमेल है इसने अंडे रख दिए हैं। पेटी खोल ही लेता हूँ जिससे प्रॉपर दिख जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं, ये जो है गाइस कल शाम के टाइम पे अंडे देने का ट्राई कर रही थी, और अभी इसके नीचे फिलहाल में आ चुका है एक अंडा। ये देखो, कल शाम के टाइम पे जब कबूतरों ने दाना पानी कर लिया था तो मैंने पेटी के अंदर ये रिंग रख दिया था, और उसके अंदर थोड़ा सा पंख वंख रहती होती डाल दिया था जिससे कि अंडा टूटे ना। ये देखो, ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि हमारे ये फैंटेल कबूतरों ने भी अंडा दे दिया है। और नीचे देखते हैं, यहाँ भाई अभी कोई अंडा नहीं है। ये देखो, मुझे लग रहा था कि ये मेल फीमेल को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो शायद फीमेल अंडे पे हो। देखते हैं फीमेल कब तक जो है अंडे रखती है। और अभी फिलहाल में ये जोड़े को मैंने अपने सिराजी कबूतरों की पेटी में शिफ्ट कर दिया। पहले जो है मैंने सोचा था कि ये जोड़ी को जो है मैं यहाँ पे रखूँगा, बट ये क्या है, फैंटेल कबूतर है, इनके पीछे का टेल बड़ा होता है, तो ये पेटी में ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं रह पाते थे, तो मैंने इनको ये पेटी दे दी है जिसमें कि ये अभी बिल्कुल अच्छे तरीके से रह सकते हैं। और अभी जो है ब्लैक फैंटेल फीमेल ने अंडे तो रख दिए हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसके अंडे में किसी और कबूतर के नीचे पलट दूँ, क्योंकि गाइस ये लोग जो है अंडे खराब कर देते हैं। हमारे फैंसी कबूतर है ना, उनके बच्चे हमारे पास नहीं निकल पाते हैं। देखो यहाँ पे जो है हमारे किंग कबूतर का जोड़ा है, अभी भी गाइस फीमेल मेरे को लग रहा है अंडे पे ही है, क्योंकि ये जिस तरीके से बैठ रही है। ये जोड़ा भी जो है बहुत बार अंडे दे चुका है, लेकिन आज तक इनके बच्चे नहीं निकले। मतलब गाइस कोई ना कोई रीज़न की वजह से अंडा टूट जाता है, इसीलिए मैंने इस बार क्या किया है कि इनके जो है दोनों अंडे उठा के मैंने रख दिया है अपने ये जोड़े के नीचे, जिससे कि हम लोग अपने किंग कबूतर के बच्चे देख सकें। और गाइस फैंटेल का भी मैं यही सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका अंडा उठा के हम लोग किसी और कबूतर के नीचे रख दें। यहाँ पे अपने कनाक कबूतरों ने भी अंडा दिया हुआ है, इसके नीचे एक अंडा है, तो इनके नीचे रखने का मैं सोच रहा हूँ। सो गाइस ऐसा ही करते हैं, ये अंडा उठा लेते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं यहाँ पे। ये जो अपने कनाक कबूतर का अंडा है इसको हम लोग रख देते हैं अपने फैंटेल कबूतर के नीचे, और फैंटेल का जो ये अंडा है, ओ भाई रुक जाओ तो अभी टूट जाएगा, और ये जो फैंटेल कबूतरों का अंडा है ये रख देते हैं कनाक के नीचे। अगर गाइस बच्चे निकल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे जैसे ही फीमेल बाहर निकली वैसे ही दोबारा से मेल इसके पीछे पीछे घूमना स्टार्ट कर दिया, देख रहे हो। अभी जो है मैं आप लोग को अपने जीरे कबूतर के एक बच्चे का शौक कराता हूँ, मतलब बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे निकल रहे हैं। देखो ये है भाई जोड़ा, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी हुई है, ये है मेल, ये है फीमेल, और ये है ये लोगों का बच्चा। गाइस इस बार जो है ये लोगों का ब्लैक जीरे में बच्चा निकला हुआ है, और इससे पहले जो बच्चा निकला हुआ था वह भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। इससे पहले वाले बच्चे का मैं पहले आप लोग को शौक कराता हूँ, उसके बाद ये बच्चे का शौक करना आप लोग। और गाइस ये जो फीमेल है यह भी हमारे घर की ही पट्टी है, ये जो जीरे में आपको फीमेल दिख रही है ना, यह भी हमारे घर की पट्टी है। देखो ये जो बाजरे का जोड़ा है यहाँ पे, यही जोड़ी की बच्ची है ये फीमेल जीरे में, और ये लोगों का मैंने जोड़ा लगाया था, तो एक बच्चा यहाँ पे निकला हुआ है, और इससे पहले भी दो बच्चे निकले हुए थे। और दोनों ही बच्चे काफी शानदार है, लेकिन एक बच्चा गाइस मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है। ये देखो ये जो है तांबड़े टाइप में निकल गया था, यह भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन इससे भी ज्यादा मेरे को प्यारा जो है ये लगता है। सबसे पहले मैं आप लोग को इसका शौक कराता हूँ, रुक जा भाई, रुक जा। ये गाइस पूरा जीरे में बच्चा निकला हुआ है, आप लोग शौक करो ये जीरे पट्टे का, ये जो है हमारे घर का ही बच्चा है। ये देखो ये है इसकी आइस, ठीक है, और ये है इसके पर। देखो गाइस बड़े बड़े पल्ले का पट्टा है, काफ़ी बड़े पल्ले हैं इसके। ये है इसकी टेल,
और ये है इसके पंजे। ये जोड़ी का सबसे पहला बच्चा यहाँ पे निकला हुआ है जीरे में और दूसरा बच्चा जो है तांबड़े में निकला था। ठीक है, ये रहा। और गाइस अभी भी एक जीरे में बच्चा निकला हुआ है, मतलब कबूतरों ने दो अंडा रखा था तो एक अंडा खराब हो गया था और एक में से ये बच्चा निकला है। तो इसका भी आप लोग शौक करो, बहुत ही प्यारा बच्चा निकला है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को शौक कराना चाहिए। देखो ये बच्चे को, ये जो है गाइस अभी बहुत ही छोटा है, ब्लैक जीरे में बच्चा निकल रहा है। तो चलो अभी इस बच्चे को रख देते हैं इसके अंदर। गाइस बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे निकल रहे हैं हमारे ये जीरे जोड़ी के नीचे। और गाइस जैसी ये फीमेल है, ये तो मेल है भाई, आगे रुक जाओ, ये देखो जैसी ये फीमेल है। और गाइस जैसी ये फीमेल है सेम टू कॉपी ऐसा अपने पास मेल भी है, लेकिन इसका जोड़ा मैंने अपने ये जीरे मेल के साथ में लगाया क्योंकि जो इसके जैसा सेम मेल है ना वो इसका भाई है। देखो आपको दिखाता हूँ, वो जो है अंदर बैठा हुआ है भाई, ये बैठा है, ये रहा, ये देखो ये जो है मेल निकला हुआ है, ये रहा। दोनों ही पूरे टू कॉपी निकले हुए हैं भाई, ये दोनों ही जो है इस भाई बहन है। ये फीमेल है इसको मैंने जोड़ में डाला हुआ है और ये मेल है इसको मैंने उड़ाने के लिए रखा है। और गाइस देखो ये है रीजन भाई अंडे खराब होने के, अंडे टूटने के। ये जो सिंगल कबूतर है ना ये बहुत ही परेशान करते हैं मेरे को, दूसरे कबूतरों की पेटी में चले जाते हैं और उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। मैंने अपने फैंसी कबूतरों के अंडे को उठा के अपने हाई फ्लायर कबूतरों के नीचे रख दिया है क्योंकि इतने टाइम से अपने पास फैंसी कबूतर है और मुझे काफ़ी टाइम से वेट है कि भाई मैं अपने फैंसी कबूतरों के बच्चे देख सकूं, लेकिन अभी तक उनके बच्चे नहीं निकल पाते हैं। मतलब कोई ना कोई रीज़न की वजह से उनका अंडा या तो ख़राब हो जाता है या फिर टूट जाता है। जो अपना वाइट किंग का जोड़ा है उसके भी बच्चे हम लोग नहीं देख पाए हैं अभी तक, और ना ही फैंटेल कबूतरों के। बच्चा पाल चुका है, उसको आइडिया है भाई कैसे बच्चा पालना है, तो देखते हैं अभी उनके नीचे बच्चे निकलते हैं या फिर नहीं। अगर निकल जाए तो भाई काफ़ी अच्छी बात रहेगी। सो गाइस अभी के लिए फिलहाल में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ठोक देना, चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर से और अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय।